नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट ने आज फाइनली अपना रौद्र रूप दिखाया और जिस चीज की उम्मीद थी हम सब लोगों को वही हुआ, वैसा ही हुआ। मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा था, कब तकरीबन 2 हफ्ते होने को थे। और अगर आपने कल जो मेरा शॉर्ट था लाइव मार्केट में यूट्यूब के ऊपर मैंने डाला था, सब लोगों ने देखा होगा। और ये वो शॉर्ट है, 1 मिनट का जो वीडियो होता है उसको शॉर्ट बोलते हैं, आज जाके चेक कीजिएगा। ये शॉर्ट मैंने कल डाला था लाइव मार्केट में, केवल 599 लोगों ने देखा। बहुत दुर्भाग्य है कि अच्छी चीज़ें देखते ही नहीं हैं लोग। लोगों को केवल जो है सजी सजाई चीज़ें और ग्लैमर वाली चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें देखते नहीं हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ पर साफ साफ मैंने बताया था कि यहाँ पर एक्युमुलेशन हो रहा है, और साफ साफ आपको बताया था कि क्या आगे मार्केट में हो सकता है। आप जाके इस वाली शॉर्ट को जरा चेक कीजिएगा, आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो हमारा पहले से ही डिसाइडेड था कि जो एक्युमुलेशन हो रहा है उसके बाद मार्केट अपनी रेंज को ब्रेक करके ऊपर से ऊपर की तरफ ही जाएगा, अपसाइड मूवमेंट ही दिखाएगा। उसके पीछे के लॉजिक्स मैंने आपको दिए भी थे कल की वीडियो के अंदर, और आज फाइनली वैसा हुआ भी। मार्केट में एक अपसाइड मूव मिला और एक ब्रेकआउट की तरफ मार्केट इशारा कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप फटाफट से चल लेते हैं हमें डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो डाटा पॉइंट क्या इशारा कर रहे हैं फटाफट से चेक कर लेते हैं, और जो हम रेगुलरली आपको शीट में दिखा रहे हैं आप उसको फॉलो करते रहिएगा, आपको पूरा का पूरा खेल समझ में आ जाएगा मार्केट का। तो यहाँ पर पहला डाटा पॉइंट जो मैं आपको डेली दिखा रहा हूँ आजकल, और रिक्वेस्ट आई है बहुत सारे मेंबर्स की कभी आप इस डाटा पॉइंट को रेगुलरली दिखाइए, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स बहुत तकड़ा बियरिश है रेगुलरली, और आप चेक कर सकते हो सितंबर मंथ के अंदर, यानी कि अब 17,000 के आसपास आके रिटेल ट्रेडर बहुत ज्यादा डर चुका है, बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से बेयरिश हो चुका है। इक्विटी में वो दबा के सेल ऑफ कर रहा है, मतलब उसको ये लगता है कि अब मार्केट का टॉप बन गया, लेकिन ऐसा अभी है नहीं। ठीक है, तो रिटेल ट्रेडर बेयरिश है, और बाय कौन कर रहा है? जितना माल रिटेल ट्रेडर ने बेचा है उसका डबल किसने बाई किया है? एफआईआई ने। और मार्केट को प्रोप्राइटर डीआईआई बिल्कुल न्यूट्रल बैठे हैं, केवल अकेला मार्केट को कौन ड्राइव कर रहा है? एफआईआई। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, मार्केट के अंदर जो है टोटल मनी फ्लो जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि अभी तक हर महीने आपको दिख रहा है, और टोटल जो साल का मनी फ्लो है वो भी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। टोटल मनी फ्लो जो है मार्केट का पॉजिटिव होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एफआईआई सेल करते हैं लेकिन यहाँ पे डीआईआई मार्केट को सपोर्ट कर देते हैं, साथ में रिटेल ट्रेडर बाय करना शुरू कर देते हैं, तब भी मार्केट का फ्लो जो है मनी फ्लो पॉजिटिव हो जाता है, तो मार्केट नीचे नहीं गिरती। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता और रिटेल ट्रेडर बेचते भी हैं, बट फिर भी मार्केट ऊपर चले जाता है। क्यों? क्योंकि मनी फ्लो जो है जो क्योंकि रिटेल वहां पे एफआईआई बाय करता है और एफआईआई मार्केट को ड्राइव कर रहा है फिलहाल, और यहाँ पर नेट मनी फ्लो जो कि मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए पॉसिबल, मतलब जरूरी है, कंपलसरी है, वो अभी भी यहाँ पे ग्रीन है इक्विटी सेगमेंट का। तो यहाँ पर गिरावट के सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है मार्केट के अंदर। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो यहाँ पर मार्केट के चांसेस ऊपर के ही हैं। ऑलरेडी मैंने आप सबको अक्टूबर तक के मंथ के अंदर 18,000 के आसपास का टारगेट ऑलरेडी दिया हुआ है, आप सभी जानते हो। तो डेफिनेटली हो सकता है हमारा टारगेट अक्टूबर से पहले ही शायद अचीव हो जाए, या फिर अगर नहीं भी होता है तो अक्टूबर तक तो पक्का हो ही जाएगा, ऐसी उम्मीद मुझे है। दोस्तों यहाँ पर ये अब पोजिशन आज क्या बनी और किस तरीके से आज भयंकर लॉस हुआ रिटेल ट्रेडर्स को। रिटेल ट्रेडर्स ने आज बहुत दबा के शॉर्ट मारा ऑप्शंस को, बहुत हैवी कॉल राइटिंग की उन्होंने, और देखो यहाँ पे 2,16,000 नई पोजिशन बिल्ड कर दी जो कि शॉर्ट पोजिशन थी। दोस्तों मैं आपको रेगुलरली बताता हूँ कि बुलिश मार्केट में कभी भी शॉर्ट पोजिशन को क्रिएट करना मतलब पाप है, क्राइम है। तो यहाँ पर आज वही हुआ, रिटेल ट्रेडर ने बहुत भयंकर लॉस किया ऑप्शंस में, और उन्होंने बहुत भयंकर वाली जो है शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की। और मैंने आपको कल भी कहा था कि जब तक रिटेल ट्रेडर बियरिश नहीं होगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, आज वही हुआ, रिटेल ट्रेडर बियरिश हो गया और मार्केट दबा के एफआईआई लोग ऊपर लेके चले गए। एफआईआई की बात करूं तो मैं यहाँ पे वो ऑप्शंस में भी भयंकर वाले बुलिश हैं, फ्यूचर में भी थोड़े बहुत बुलिश हैं। प्रोप्राइटर देखो आप, प्रोप्राइटर जो है वो भी भयंकर वाले बुलिश हैं ऑप्शंस में। तो ओवरऑल सिचुएशन अगर मैं बताऊं तो अभी की सिचुएशन ये है, एफआईआई और प्रोप्राइटर जो है वो बुलिश हैं,
और रिटेल ट्रेडर जो है वो बेरिश है। अगर रिटेल ट्रेडर बेरिश होगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, और ट्रेंड को अब मुझे आपको क्लियर करने की जरूरत है नहीं कि अभी क्या ट्रेंड है, आप समझ गए होंगे। तो डाटा पॉइंट ओवरऑल बुलिश है, और इक्विटी सेगमेंट का डाटा से आपको पता लग रहा होगा मार्केट को कौन ड्राइव कर रहा है, और मनी फ्लो भी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ओवरऑल सेंटिमेंट भी जो है मार्केट के बुलिश है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मार्केट का ट्रेंड अब क्या है। ये तो हुआ हमारा डाटा जिसका क्लैरिफिकेशन आपको मिल गया होगा। फटाफट से चलते हैं हम अपने ऑप्शन चेन के डाटा से, पहले हम चार्ट को देख लेते हैं, ठीक है। चार्ट देखना भी बहुत जरूरी है, चार्ट देख लेते हैं फटाफट से। निफ्टी का चार्ट मैं खोल लेता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, और फिर हम देखेंगे कि आज हुआ क्या मार्केट के अंदर। दोस्तों ये मार्केट का वनडे का निफ्टी का चार्ट है, और आपको मैंने कहा था कि जब भी ब्रेकआउट होने वाला होगा इस रेंज के अंदर, जो ये रेंज बनी हुई थी, जब भी ब्रेकआउट होगा ना वहां पे एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। और आप चेक कर लीजिए आज का वॉल्यूम कितना भयंकर वाला है दोस्त। अगर इस तरीके से जो ब्रेकआउट यहाँ पर भी हुआ था, इस वाली रेंज को ब्रेक किया था, ये वाला रेसिस्टेंस जो है इसको भी ऐसे ही ब्रेक किया गया था वॉल्यूम के साथ, और फिर आप चेक कर सकते हो एक तरीके से स्ट्रेंथ पकड़ी थी मार्केट ने हर लेवल को वॉल्यूम के साथ। ये वाला जो रेसिस्टेंस था इसको भी आप चेक कर सकते हो वॉल्यूम के साथ ही ब्रेक किया गया था यहाँ पे, ये वाला रेसिस्टेंस को भी यहाँ पर ब्रेक किया गया वॉल्यूम के साथ, तो आप चेक कर लो। अब ये वाला रेसिस्टेंस जो है वो भी ब्रेक हो चुका है वॉल्यूम के साथ। तो दोस्तों केवल और केवल यही एक लॉजिक है, जब भी कभी भी ब्रेकआउट होता है, किसी भी रेसिस्टेंस को ब्रेक करना होता है, तो मार्केट को एक वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना जरूरी है, और आज वो हो चुका है। तो यहां पर अब नया सपोर्ट क्या बन गया है मार्केट के लिए, 17,400 का सपोर्ट बन चुका है अब मार्केट के लिए। और रेसिस्टेंस अब वैसे तो कुछ है नहीं ऊपर का लेवल अभी भी, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है मार्केट ने, फिर भी आप ऑप्शन चेन के बिहाफ पे 17,600 तक का रेसिस्टेंस लगा लीजिए। लेकिन ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो सकते हैं, रेसिस्टेंस सारे के सारे ब्रेक हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, तो रेसिस्टेंस को उतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट के आसपास आए डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए। दोस्तों कल एक्सपायरी है, तो कल थोड़ा सा मार्केट अगर कंसोलिडेशन में रेंज बाउंड होके अगर आपका 100 या 70-80 पॉइंट के अंदर कंसोलिडेट होके प्रीमियम खाने की कोशिश करे तो शॉक मत होइएगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ऐसा होता है। लेकिन बेरिश मत होइएगा मार्केट के अंदर, अगर कोई भी डिप गलती से आ भी जाता है 50-60 पॉइंट का, तो फिर केवल और केवल बाय करने की सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड आपको क्लेरिफिकेशन हो चुकी है। तो रेसिस्टेंस सपोर्ट आपको पता लग गया, और कल एक्सपायरी है, तो ज़्यादा कुछ सपोर्ट अगर रेंज बाउंड रहा तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। डाटा कैसा होगा लाइव मार्केट के ऊपर वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर पता लग जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बैंक निफ्टी ने आज धूम मचा दी, और ओवरऑल जो है बैंक निफ्टी ने आज की कैंडल जो है वो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे नीचे बॉटम में वॉल्यूम के साथ डेफिनेटली एक अच्छी कैंडल बनाई है, और ये ट्रेंड को कंटिन्यू करने का एक इशारा है। जब भी वॉल्यूम के साथ मार्केट जो है एक अपसाइड रैली की तरफ इशारा करती है, इसको आप समझना होगा। रेसिस्टेंस की बात करूँ तो रेसिस्टेंस वही है 36,900 से लेके और 37,000 के आसपास का रेसिस्टेंस है। जैसे ही इसकी ऊपर क्लोजिंग मिल जाए आपको, तो फिर रेसिस्टेंस जो है वो आपको मिलेगा 37,200 के आसपास, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा 37,200 के आसपास, और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है तो कल नहीं तो परसों डेफिनेटली हमारा ये टारगेट 37,200 तक का आ जाना चाहिए, लेकिन देखते हैं कब आएगा। तो बहुत जल्द हम अपने प्रीवियस स्टॉप को काटते हुए नजर आ सकते हैं जो कि ये वाला है, और आपको केवल बाय ऑन डिप की सोचनी चाहिए। ट्रेंड आपको पता ही है, मार्केट की सिचुएशन आपको पता ही है, और वॉल्यूम आपको दिख ही रहा है चार्ट के ऊपर, तो टेंशन की बात है नहीं, और ओवरऑल मार्केट के अंदर बाय ऑन डिप काम कर रहा है। ऑप्शन चेन की बात करूँ निफ्टी के अंदर, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा ऑप्शन चेन के अंदर, आपको मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ अगर आप समझदार हो तो, और आपको इशारा कर रहा हूँ तो आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है आपकी जो पोजिशंस 17,800 के ऊपर कोई ना कोई एक्टिव है, ये इशारा यहाँ पे हमको मिल रहा है, पहले से ही मिल रहा है। और सितंबर मंथ के अंदर, सितंबर लास्ट तक मतलब 17,800 के इशारे मिलने शुरू हो चुके हैं, और समझदार को इशारा काफ़ी। बाकी ट्रेंड आप जानते ही हो, बाय ऑन डिप सपोर्ट आपको बता दिया है, और बाकी आप यूज़ कर सकते हैं और फायदे
में रह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कल को ही 17,800 आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मंथ एंड तक के टारगेट आपको जो डाटा पॉइंट बता रहा है वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर थोड़ा बहुत मार्केट यहां से ऊपर जाता है, निफ्टी की बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली यहां पर जो है आप चेक कर सकते हो 37,500 के ऊपर पोजिशन स्क्वायर ऑफ होनी शुरू हो गई हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। और 37,500 के ऊपर पोजिशन बन रही हैं बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि मंथ एंड के अंदर बन रही हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाइएगा अगर आप अभी भी बेयरिश माइंड सेट रखते हैं तो। धीरे धीरे करके सही, लेकिन मार्केट की रेंज ऊपर ही जा रही है और आपको ये समझदारी से मतलब काम लेना होगा। दोस्तों रिक्वेस्ट आ रही है कि यहाँ पे कुछ स्टॉक्स की चर्चा भी की जाए, तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि जो स्टॉक्स मेरे फोकस में हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्टॉक है दोस्तों लॉरस लैब, जो कि मैं ऑलरेडी होल्ड करके बैठा हुआ हूँ, और ये अब जो है लॉरस लैब जो है अब अपने सपोर्ट के आसपास है, और डेफिनेटली अगर ये वाली कैंडल मतलब 667 के ऊपर अगर आपको जाता हुआ मिलता है, डेफिनेटली अब टारगेट जो आपको फिर अगले कुछ मतलब मंडे तक के लिए मिल सकते हैं वो 690 तक के मिल सकते हैं आराम से। ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, 690 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, लॉरस लैब को मैं जो है मतलब ऑलरेडी मेरे पास है नीचे के लेवल से। दूसरी चीज, लॉरस लैब को मैं मीडियम जो है टाइम फ्रेम के लिए मीडियम टर्म पोर्टफोलियो के अंदर मैंने इसको ऐड भी किया हुआ है, तो ये एक बड़ा अच्छा स्टॉक है, टेक्निकली फंडामेंटली बड़ा अच्छा स्टॉक है। तो इसके अंदर अगर पोजीशंस बनाई जाए और होल्ड भी रखा जाए कुछ मीडियम टर्म के टाइम फ्रेम से, डेफिनेटली ये अच्छा फायदा भी दे सकता है। पहला स्टॉक तो हो गया लॉरस लैब। दूसरा स्टॉक के ऊपर आप फोकस कर सकते हो जो कि है LIC हाउसिंग फाइनेंस। बड़े तरीके से अगर आप देखोगे इसके चार्ट को तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। एक मिनट चार्ट खोलने दीजिए। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में देखो हो क्या रहा है, LIC हाउसिंग फाइनेंस में क्या हो रहा है। एक ये वॉल्यूम के साथ ये बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन कितना टाइम हो चुका है, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 दिन हो चुके हैं कंसोलिडेशन के अंदर, और क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जैसे कि निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है ऐसे ही यहाँ पर भी ब्रेकआउट आपको दिख सकता है, तो कल या फिर परसों पेशेंस रखना होगा इस स्टॉक के अंदर। लेकिन आपको जैसे ही इस कैंडल का 425 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो आपको आसानी से जो टारगेट मिलेंगे वो आपको 450 तक के टारगेट आपको अगले 3-4 दिन के अंदर मिल सकते हैं। बड़ा अच्छा स्टॉक है, वॉल्यूम के अंदर इसने मतलब अपने रेसिस्टेंस को तोड़ा है, वॉल्यूम के साथ तोड़ा है, कंसोलिडेशन कर रहा है उसके बाद, और डेफिनेटली एक अच्छी अपसाइड मूव की रैली भी दिखा सकता है। और अनदर डिस्क्लेमर ये है कि ये वाला स्टॉक भी मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है नीचे के लेवल से 380 के लेवल से, तो डेफिनेटली अगर मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो मैं यहाँ पे एडिशन कर लूंगा और 450 के लेवल के लिए यहाँ पे मैं इसको प्ले करूंगा। तो दोस्तों यही थे कुछ स्टॉक जो कि मेरे फोकस में थे, आपने डिमांड की थी तो मैंने आपको बता दिया। और अगर आप चाहते हैं कि पर डे बेसिस के ऊपर आपको ये स्टॉक्स इन फोकस आपको दिए जाएं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों चलो चलते हैं, वीडियो को क्लोज करते हैं, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलते हैं। और ट्रेंड, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, एवरीथिंग आपके सामने स्टॉक्स के साथ साथ डाटा के साथ साथ मिल चुकी है। कल टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।